कोविड 19 से संक्रमित मरीजों की इलाज हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सारत हॉस्पिटल से रेफरल हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त होने के कारण कोविड 19 से संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु उपयोग में लाए जाने वाले एम्बुलेंस के किराए की दरें जनपद गोरखपुर के अंतर्गत निर्धारित कर दी गई है, जिससे आम जनता को निर्धारित शुल्क पर उक्त प्रकार के वाहन एम्बुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के विजयन पांडियन ने द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड 19 नियमावली 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड 19 संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए जनपद गोरखपुर में एम्बुलेंस के किराए की दरें निर्धारित कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि छोटी एम्बुलेंस मारुति वैन, टवेरा, बुलेरो शहर में 1500 रुपए ऑक्सीजन के साथ तथा बिना ऑक्सीजन के 1000 रुपए तथा शहर के बाहर जाने पर 15 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से तथा एम्बुलेंस वेंटिलेटर व अटेंडेंट के साथ बुलेरो टवेरा शहर में 3000 रुपया तथा शहर के बाहर जाने पर 15 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से ऑक्सीजन के साथ। वहीं लाइफ सपोर्ट बड़ी एम्बुलेंस फोर्स बिगर ट्रेवलर शहर में 5000 रुपए तथा शहर से बाहर जाने पर 15 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वेंटिलेटर व ऑक्सीजन के साथ और डेड बॉडी सामान्य कोरोना बीआरडी मेडिकल कॉलेज या शहर से राजघाट तक 1500 रुपए तथा शहर से बाहर जाने पर 15 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय कर दिया गया है। इसी क्रम में उन्होंने आगे बताया कि कोविड 19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन उक्त अनुसार निर्धारित दर से अधिक दर धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 व कोविड कंट्रोल रूम नंबर 0551-220-2205 या 2204-196 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उक्त अनुसार कार्रवाई के अनुश्रवण हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नामित अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर संबंधित परिवहन सेवा से जुड़े हुए वाहन स्वामियों संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। ऐसे वाहन चालक स्वामी जो निर्धारित किराए से अधिक धनराशि मरीज परिजन से वसूल करते हैं तो संबंधित वाहन स्वामी एम्बुलेंस चालक के विरुद्ध द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 उत्तर प्रदेश महामारी 19 नियमावली 2020 में निहित प्राविधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे।